वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टैप एंड शावर क्लीनर, जिससे कि हम तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन भी चमका सकते हैं। इस तरह का हमारा बर्तन, तांबे का लोटा या पीतल का लोटा इस तरह से चमक जाएगा। ये 4-5 दिन हो चुके हैं साफ़ किए हुए, तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। इसको भी हम दोबारा हल्का सा टचअप देंगे और इसमें हमें थोड़ी सी अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए एक स्क्रबर। इस स्क्रबर का एक बेनिफिट है कि यहाँ से हम स्क्रब करते हैं और जो स्पंज होती है, ये हमारा जो लिक्विड होता है या जो भी हम साफ़ करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं विम बार या बाकी बर्तन वॉशिंग में जब हम यूज़ करते हैं, तो ये उसको होल्ड कर लेता है और धीरे धीरे रिलीज़ करता रहता है स्पंज। तो हमारा ये काफ़ी देर तक चलता है, बार बार हमें डिप नहीं करना पड़ता या बर्तनों में लीक नहीं होता हमारा केमिकल या जो भी स्टफ़ हम ले रहे हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है। तो इस तरह का जूना हमारे लिए एक एक डिप में एक बार हमने इसमें केमिकल डाला, तो इसको हम काफ़ी सारे बर्तनों में हम यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमारा ये रिलीज़ करेगा हमारे केमिकल को, लिक्विड को। आइए देखते हैं हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बर्तन को गीला कर लेंगे हल्का सा, जिससे कि एक्सेसिव डस्ट जो है बर्तन से निकल जाए। देन हम बर्तन पे डायरेक्टली स्प्रे करेंगे। इसको चाहे तो आप हल्का सा उंगली से स्क्रब करके आप चेक कर सकते हैं कि ये देखिए साफ़ होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पुरानी डस्ट है, लेकिन ये धीरे धीरे ये देखिए ये डस्ट साफ़ होनी शुरू हो गई है। तो इसको हम अच्छे से आप गीला कर लेंगे इस बार पूरे बर्तन को और स्क्रबर से साफ करेंगे, तो इससे ये काफ़ी जल्दी साफ हो जाएगा। ये देखिए कितना जल्दी हमारा ये साफ़ हो गया है। बाकी हल्का सा हमें दोबारा लगाना होगा, लेकिन पहले के मुकाबले ये काफ़ी चमक गया है। अब हम और इस पर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। इसको हल्के हाथ से करना है, कोई एक्सेसिव फोर्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हाथ से आप करते रहिए, धीरे धीरे ये निकल जाएगा सारा मैल जो जमा हुआ है वो सब निकल जाएगा। देखिए काला काला सारा जो है, इसमें से मैक्सिमम हमारा ये गंदगी निकल चुकी है जो इसके ऊपर जम जाता है। बाकी चीज़ें अभी हमने साफ़ नहीं की। ये देखिए नेचुरल जो लुक है तांबे का वो आना शुरू हो गया है। अब हम ये दूसरे वाला भी करेंगे, जो कि एक हफ्ते पहले क्लीन किया था, हल्का सा कलर चेंज हुआ। इसमें बहुत ही लाइटली लगाएंगे हम और ज़्यादा हमें इस पर मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि ये पहले से ही साफ़ हो चुका है। तो थोड़ा सा जो डस्ट और डिस्कलरेशन ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है मेटल का, वो इमीडिएटली रिकवर कर जाएगा। ये नॉर्मल वॉश हो गया, जैसे आप बर्तन मांजते हैं उस तरह से आप करेंगे तो इमीडिएटली ये सही हो जाएगा। हल्का सा लगाना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना है, ना ज़ोर से पकड़ना है। नॉर्मल जो बर्तन मांजते हैं आप उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम से असली पीत जो तांबे का लुक है वो आ गया। ये अच्छे से हमने साफ किया था, अभी नीचे वाला पार्ट हमने किया है। देखिए ये पूरी तरह साफ हो गया।
सारा जो ब्लैकिश स्केलिंग हो रखी थी तांबे पे वो सब हट गई है।